हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में, जिसमें कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आपराधिक मामलों में जमानत देते हुए कोर्ट पासपोर्ट रखने की शर्त को नहीं रख सकती। यानी कि किसी भी आरोपी को जमानत देते हुए उसका पासपोर्ट जब्त नहीं किया जा सकता। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जमानत देने के दौरान क्रिमिनल कोर्ट आरोपी पर अपना पासपोर्ट जमा कराने की कोई शर्त को नहीं थोप सकते। न्यायमूर्ति दया चौधरी ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 104 में कोर्ट को उसके सामने जो भी सबूत या डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं उनको जब्त करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन पासपोर्ट को पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3) के तहत सिर्फ पासपोर्ट प्राधिकरण ही जब्त कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत पासपोर्ट नहीं जब्त कर सकती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 104 के तहत अगर अदालत सही समझती है तो वो अपने सामने जो पेश किए गए हैं डॉक्यूमेंट उनको जब्त कर सकती है, लेकिन पासपोर्ट कानून एक स्पेशल कानून है जबकि सीआरपीसी कानून आम कानून है। इसलिए कोर्ट सीआरपीसी की धारा 104 के तहत पासपोर्ट को जब्त नहीं कर सकता। कानून के तहत ये पूरी तरह से स्थापित फैक्ट है कि जो विशेष कानून यानी कि स्पेशल कानून है वो सामान्य कानून पर लागू होते हैं। पासपोर्ट कानून भी एक स्पेशल कानून है, जबकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी एक सामान्य कानून है। इसलिए धारा 104 की सीआरपीसी के तहत न्यायालय पासपोर्ट को जब्त नहीं कर सकता, हालांकि ये दूसरे किसी भी दस्तावेज को जब्त कर सकता है। न्यायमूर्ति ने कहा कि अगर पुलिस किसी संदिग्ध अपराधी पर पासपोर्ट अपने पास रखना चाहती है तो उसे पासपोर्ट प्राधिकरण को इसके लिए आवेदन देना होगा। अदालत कैप्टन अनिला भाटिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कि अग्रिम जमानत के आदेश में रखी गई शर्त को चुनौती दी गई है, जिसमें कि कहा गया है कि उसे पुलिस या फिर कोर्ट के सामने अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और वो कोर्ट की इजाज़त के बिना देश को नहीं छोड़ सकती हैं। याचिकाकर्ता जो है एयर इंडिया एयरलाइंस में वरिष्ठ कप्तान के पद पर कार्यरत हैं। उसने कहा कि एक पायलट होने के नाते उसे इस बात की पहले से जानकारी नहीं होती कि उसे किस देश में उड़ान भरना है। उसने ये भी कहा कि अगर उसे हर बार यात्रा करने से पहले अगर निचली अदालत की अनुमति लेनी पड़ी तो शायद ये भी उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इन्हीं विवादों की जांच करते हुए कोर्ट ने बताया कि जब किसी व्यक्ति को अपना पासपोर्ट जमा कराने को कहा जाता है तो इससे उसका कहीं आना जाना बाधित होता है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत रिलेटेड कोर्ट को जमानत देने के लिए जरूरी शर्त लगाने का अधिकार है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पासपोर्ट को जब्त करने का भी अधिकार उसे मिल गया है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि आपराधिक अदालतें यानी कि क्रिमिनल कोर्ट यांत्रिक रूप से हर मामले में आरोपी व्यक्ति के पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश नहीं दे सकती। इसलिए कोर्ट ने इस कंडीशन को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ता को अपना पासपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर दिए जाने का आवेदन देने को कहा। निचली अदालत से ये कहा गया कि वो इस आवेदन पर गौर करते हुए आवेदनकर्ता का पासपोर्ट बिना किसी विलंब के लौटा दें। याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में वो कोर्ट के सामने ये लिखित रूप से आश्वासन देंगी कि विदेश में लंबी अवधि के लिए रहने के लिए वो कोर्ट से इजाज़त लेंगी। तो फ्रेंड्स, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो ये बिल्कुल साफ है कि कोई भी कोर्ट जमानत देने से पहले किसी भी आरोपी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकती, क्योंकि कोर्ट के पास ऐसे अधिकार नहीं होते। ये अधिकार पासपोर्ट प्राधिकरण के पास ही हैं, उसकी इजाज़त के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।